भारतीय द्वारा बल्ला देश है। काफी अच्छी बिल्डिंग कप्तान उत्तम के द्वारा लगाई गई है और फिर से एक अच्छी गेंद और इसी के साथ पहला ओवर मेडन दिल्ली का आकाश के लिए, दूसरी गेंद सुभाष के लिए आकाश की, तो एक सुभाष एक आकाश दोनों के बीच काफी अच्छा हो सकता है, तो काफी खूबसूरत शॉट और थोड़ा सा मिसबिल्डिंग हुई उत्तम राहत के द्वारा, लेकिन उनसे अच्छा प्रयोग किया वहां पे आकाश का। अगली गेंद आकाश के धीरेन्द्र को और खेल दिया है मरुदेव की दिशा में एक रन के लिए और इसी के साथ धीरेन्द्र का खाता खुलता हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बड़े बड़े टूर्नामेंटों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अगली गेंद आकाश के धीरेन्द्र को और काफी खूबसूरत शॉट, काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। प्रीमियर गेम को पील करके दौड़कर दो रन पूरे कर लिए सुभाष ने, तो सुभाष ने दो रन के साथ सुभाष का स्कोर 6 और टीम का स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। दिल्ली राइट आर्म राउंड के सामने मैं हाथ के बल्लेबाज सुभाष, अच्छा टूर्नामेंट बिल्कुल शांत माहौल बना हुआ मैच का। दिल्ली राइट आर्म राउंड के अच्छी गेंद, बॉल को लेग साइड की तरफ लगाई जा सकती है, थोड़ा लोग का खतरा, लेकिन वहां पे गलत थ्रो आया जब तक एक रन दिया था, दूसरा रन भी पूरा कर लिया वहां पे सुभाष ने, वहां पे थोड़ी सी मिसबिल्डिंग हुई विकेट की वजह से। सुभाष ने दौड़कर दो रन पूरे करे, सुभाष का स्कोर 8 और टीम का स्कोर 15 रन बगैर किसी नुकसान के। यहाँ पे दोनों ओपनर को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अभी बदल वहां को यह मैच जीतना है, तो ये बड़े टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। दिल्ली राइट आर्म और विकेट दोनों शुरू किया, अच्छी गेंद सुभाष यहाँ पे रन लाना चाहते हैं, कोई खतरा नहीं, दौड़कर एक रन पूरा कर लिया और एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज वहां पर विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने धीरेन्द्र आना शुरू किया, अचानक दुकान का पता पूछ रहे हैं तो मंदिर के पास अचानक दुकान लगी हुई है, मंदिर के पास अचानक दुकान देखने को मिलेगी आपको। हमने पहले ही कहा था कि ये राहुल काफी अच्छा से आखिरी 6 रनों से अपना खाता खोला है कमल किशोर ने, तो कमल किशोर के बल्ले से निकलता है खूबसूरत छक्का और इन्हीं 6 रनों के साथ बिगड़ गया होगा उछलता हुआ स्कोर 27 रन। अगली गेंद आकाश के कमल को फिर से खेल दिया है पाकिस्तान की दिशा में, एक रन मिलेगा दौड़ करके एक रन पूरा किया, इसी के साथ विनोद का खाता खुलता हुआ। विनोद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और कमल किशोर काफी अच्छे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, तो कमल किशोर के लिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी गवाना मल्ला को। गवाना मल्ला आकाश ने गवाना के लिए और इसी के साथ बहुत ही लंबी शॉट नीचे फिर आ रहे हैं, कैच छूट गया है शायद और 3 हिट थी जिसके कारण कैच तो पकड़ा लेकिन आउट नहीं माना जाएगा 3 हिट के कारण, 3 हिट के कारण बड़े दादा चलता हुआ इसको 33 रन
अगली गेंद आकाश की, सामने है कमल किशोर। और अच्छी गेंद और अच्छा शॉट, काफी अच्छा शॉट कमल किशोर का। और एक और पीएसएल चौका, और एक और पीएसएल चौका। कमेंट्री करना भी आसान नहीं है। डाल रहा कमल किशोर के लिए ये गेंद और पचास गेंद खेल दिया है इसे। तो फिर मैच उनके हाथ से छूट जाएगा। फिर से कैच चलता हुआ और फील्डर नीचे आ रहे और अंपायर डिसीजन आउट। अमन किशोर पर और अमन भी आज गेंदबाजी में देखने को नहीं मिले। और अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला पर एक रन के लिए। जोर कर लेंथ गेंद कर रहे हैं दिल्ली। अच्छी गेंदबाजी और फिर से एक और अच्छी गेंद और एक और, बस एक रन, मात्र एक रन वहां पे मिलेगा। ओवर हो गया और दूसरी के साथ 44 रन। सात ओवरों की समाप्ति के बाद 44 रन। अब घोटी भाई, अब एक बार जा रहा है राहुल। अब ऐसे भी नहीं खेलो। 18 गेंदों में 31 रन, 18 गेंद 31 रन। यदि बड़े उदाहरण से मैच जीतना है तो 18 गेंद में 31 रन बनाने होंगे। पारी का आठवां ओवर लेकर गया है राहुल। लंबा रन अप लेते हुए लगभग 45 कदमों का रन अप। अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छा खूबसूरत सोच समझ करके वहां पे फील्डर लगा रखा था। दिल्ली स्वयं फील्डिंग करने गए थे वहां पे, काफी सोच समझ के बाद वहां पे फील्डर लगा था बाजी वहां पे। और गवाड़ा लक इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत करती हुई, गवाड़ा काफी कसी हुई गेंदबाजी गवाड़ा के द्वारा। इसी के साथ पल की समाप्ति के बाद 49 रन बढ़ेगा। 12 गेंद 36 रन, काफी रोमांचक मैच होने जा रहा है। 12 गेंदों में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, लगातार लंबा प्रहार करना होगा। अच्छी गेंदबाजी की है गवाड़ा ने और काफी अच्छा शॉट खेल दिया है सभी गेंद की दिशा में। लंबा प्रहार, अंपायर डिसीजन आना अभी बाकी। 6 रन, 6 रन होता इस बार अंपायर विपिन परमार का। चार रन अंपायर डिसीजन, 4 रन का 2 बाउंड्रिया लगातार लगातार 2 बाउंड्रिया बड़े राव के मिलते हुए 16। एक और अतिरिक्त रन, एक काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ 10 रन बना करके खेल रहे हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और मात्र एक रन वहां पे फील्डर है पूरण सिंह के बल्लेबाज है। 6 गेंद 14 रन। अंतिम ओवर में बड़ौदा को यदि यह मैच जीतना है तो 14 रन बनाने होंगे। बीच काफी अच्छा मैच चलता हुआ गर्मा ये गेंद सामने शंभू अच्छा अच्छी गेंद,
जो भी आए देर तक आए और देर तक चले गए, और अब तीन लोग सोलह रन। अरे और बड़े गांव के जो कैप्टन साहब है यहाँ से जाते हुए, तीन पे चौदह, तीन पे चौदह, और अच्छी गेंद से एक और दौड़ के, एक और दौड़ के तीन तीन दोनों कमेंट के बॉक्स में आ जाए, और दोबारा मिलना ने काफी अच्छी गेंद मारी थी, और बड़ोल गांव के सुपर यहाँ पे समाप्त होता गया, और दोबारा मल्ला इसी के साथ फाइनल में प्रवेश कर रही है। और दोनों टीमें बड़ी